अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का ये नुस्खा बहुत ही आसान है, उन लोगों के लिए है जो अपने चेहरे को बहुत ज़्यादा ब्राइट करना चाहते हैं नेचुरल तरीके से और किफ़ायती तरीके से अपने चेहरे को गोरा करना चाहते हैं। अच्छा, अगर आप लोग पूरा वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको समझ आएगा, और प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। और ये यकीन कीजिए, इतना अच्छा, इतनी अच्छी रेमेडी है ये कि इसके सिर्फ़ एक हफ़्ते के यूज़ से आपका चेहरा, आपको ख़ुद फ़र्क महसूस होगा और आप लोग ख़ुद बोलेंगे कि नहीं वाकई ये बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। और आप लोग पर डिबर्ट ये कि मैं जिस तरह बता रही हूँ आपने वैसे ही इसको यूज़ करना है। चलें स्टार्ट करते हैं इस रेमेडी को बनाना। तो इस नुस्खे में सबसे पहले हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो है टमाटर। हमें यहाँ फ्रेश टमाटर का यूज़ करना है, और इसके साथ हमें चाहिए हल्दी पाउडर यानी टर्मरिक पाउडर। सबसे पहले हम टमाटर को काट लेंगे, दो हिस्सों में कर लेंगे। हमें सिर्फ एक साइड की ज़रूरत होगी, दूसरा हम रख देंगे। अच्छा, इसके बाद जो हम दूसरी चीज़ ऐड करेंगे वो है इसमें बेसन। अच्छा, बेसन हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है, और बेसन से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाती है और हमारी स्किन बिल्कुल स्पॉटलेस हो जाती है। अगर आपके चेहरे पर निशान हैं, दाग धब्बे हैं, तो आप लोग बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने ऐड की है इसमें थोड़ी सी, एक चुटकी के बराबर मैंने इसमें हल्दी ऐड की है, और थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है। अच्छा, मैं ये नमक क्यों ऐड कर रही हूँ मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड किया है, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा इसमें ऐड करना है, मतलब इतना ऐड करना है कि आपका पेस्ट जो है बिल्कुल लिक्विड सा बन जाए। और इसके बाद मुझे चाहिए कद्दूकश। कद्दूकश हम क्यों यूज़ करेंगे? कद्दूकश हम इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि हमें चाहिए एक टमाटर का पेस्ट। तो वैसे हमें टमाटर का पेस्ट नहीं मिल सकता क्योंकि हमें जो टमाटर की स्किन है वो नहीं चाहिए, जस्ट हमें टमाटर का पेस्ट चाहिए। और अच्छा, हमने जो इसमें हल्दी ऐड की है ना, हल्दी आप घर में जो आपकी है वो भी आप यूज़ करते हैं, कर सकते हैं, और बाज़ार में जो मिलती है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं इजीली, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर आपको लगे कि आपका पेस्ट थोड़ा सा थिक है तो आप इसमें थोड़ा सा और लेमन वाटर, पहले हमें लेमन जो कुछ तरह वैसे लेमन है वो आप इसमें, हमने इसमें नमक स्क्वीज़ करके ऐड किया है, हमारे चेहरे को साफ करने के लिए आपका मतलब ज़रूरी होता है, और हमारे चेहरे पर से डेड स्किन, डेड सेल्स जो होता है उसको निकाल देता अच्छा है। हमने इस रेमेडी में फायदेमंद होता है हमारी स्किन के लिए, और हमारे ओपन पोर्स जो होते हैं ना उसको लॉक भी कर देता है। बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं इन चीज़ों की, तो आप लोग इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अच्छा, आपने इस रेमेडी को जब आप लोग यूज़ करेंगे तो आपने इसको सिर्फ 15 मिनट तक इसको ड्राई होने तक रखना है, उसके बाद आपने वॉश कर लेना है, और इस तरह करके जिस तरह मैं बता रही हूँ आप लोगों को इस तरह करके फेस पर लगा लेना है। यकीन कीजिए, आप लोग सिर्फ एक वीक तक यूज़ करेंगे आपको फ़र्क दिखाई देगा, और आपने वीक में दो दफ़ा इसको यूज़ करना है, और आपकी स्किन बिल्कुल ग्लास स्किन बन जाएगी, बहुत रंग आपका फेयर हो जाएगा और बिल्कुल स्पॉटलेस स्किन हो जाएगी आपकी। और अगर आप लोग मेरे चैनल को न्यू वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और जितना हो सके चैनल को आपकी जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं जो मुझे रोज़ाना वॉच करते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। और अगर आप लोगों को ये रेमेडी पसंद आई है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।